अस्सलाम वालेकुम, आज आपको मंगोलियन ग्लेस्ड विंग्स बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने चिकन विंग्स ली हैं आधा किलो। ये बग़ैर स्किन के हैं, आप स्किन के साथ भी बना सकते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, चार खाने के चम्मच सोया सॉस, चार खाने के चम्मच शहद, एक खाने का चम्मच सराशा सॉस, या आप कोई भी हॉट सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, तीन जवे बारीक कटा हुआ लहसुन, दो खाने के चम्मच राइस विनेगर यानी चावल का सिरका, एक चाय का चम्मच सफ़ेद तिल और बारीक कटा हुआ सब्ज़ प्याज गार्निश के लिए। चिकन विंग्स में हम नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। चिकन विंग्स में हमने नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स कर दिया है, अब हम इनको पका लेंगे। यहाँ हमने 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लिया है, अब हम इसमें चिकन विंग्स डाल देंगे। चिकन विंग्स को 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। विंग्स को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे, ताकि विंग्स अच्छी तरह से पक जाएं। चिकन विंग्स पक गई हैं, इनका पानी भी खुश्क हो गया है, अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस तैयार करने के लिए हम एक पैन में सारी चीज़ें डाल देंगे, सोया सॉस, राइस विनेगर, बारीक कटा हुआ लहसुन, शहद और सराशा सॉस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक सॉस को पका लेंगे। सॉस जब गाढ़ी हो जाए तो इसमें हम थोड़े से तेल डाल देंगे और बाकी हम गार्निश में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसमें विंग्स डाल देंगे और सॉस में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। विंग्स को सॉस में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब हम इनको सर्व करेंगे। विंग्स पर गार्निश के लिए सफ़ेद तिल और सब्ज़ प्याज डाल देंगे। मंगोलियन ग्लेज्ड विंग्स बिल्कुल तैयार हैं, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपके विंग्स कैसे बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।